चलिए हम लोग पढ़ते हैं लास्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। तो ये क्या करता है कि दिस थर्मोमीटर कन्वर्टेड हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पॉइंट आपका काफ़ी जगह पूछा जाता है, जी के वगैरह में भी आता है। तो ये जो है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। और दूसरा हमने कहा था प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं थर्मोमीटर, तो ये जो होता है इट बेस्ड ऑन सीवेक इफेक्ट। तो अब हम लोग आते हैं कि ये सीवेक इफेक्ट होता क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो सीवेक इफेक्ट क्या होता है, ये दो हमने ले लिया कंटेनर टाइप का, और ये वो दो वायर हमने ले लिया, ये दो वायर हो गए, ये मान लो कॉपर वायर है और ये हमने आयरन ले लिया। यहाँ पर इस जगह हमने मान लो लगा लिया गैलोमीटर, यहाँ पे यूज कर लेते हैं ऐसे, ठीक। ये इधर हमने आइस ले लिया और इधर ले लिया हॉट वाटर ले लिया, कोई भी चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक। तो अब ये देखा गया कि ये जो जब हम इनके जॉइंट्स को दो डिफरेंट जंक्शंस दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रखते हैं, तो इन वायर्स में क्या होता है, गैलोमेट डिफ्लेक्शन आ जाता है। गैलोमेट डिफ्लेक्शन आ गया मीन्स ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसकी डायरेक्शन कापर से ऐसे इस तरह से फ्लो होती है, इधर से जाके ऐसे जाती है। तो कुल मिलाकर सीवेज इफेक्ट है क्या कि व्हेन जॉइंट ऑफ टू वायर्स आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर देन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ वायर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीवेक इफेक्ट। इसमें हमने कापर और आयरन लिया हुआ है, तो कापर से आयरन की ओर ये फ्लो होता है, ठीक। तो ये इंड्यूस ईएमएफ होता है। अब इसमें जो है एक्चुअली इन्होंने क्या किया, एक सीरीज बनाया, जैसे SN ले लिया, इधर लास्ट में बिस्मथ हुआ, ऐसे तमाम बीच में एक सीक्वेंस सीरीज ले लिया, ठीक। आयरन हो गया और कापर हो गया और कोबाल्ट हो गया, निकिल, इस तरह के बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि जो ईएमएफ होता है वो केवल जंक्शंस पे ही डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है कि जो क्या कहते हैं कि ये ईएमएफ प्रोड्यूस फ्लो होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर फ्लो होगा। जैसे मान लो कापर और आयरन तुमने लिया है, तो कापर से आयरन की ओर फ्लो होगा। ये सीक्वेंस इन्होंने क्या किया, एक सीरीज बनाई है, और कई सारे एलिमेंट्स हैं, मेन मैंने रखे हुए हैं इसमें AU AG भी होता है, तो हमने ये ले लिया। तो दूसरा चीज़, एक चीज़ और इन्होंने बताया, ये आया भी है कि मैक्सिमम किसके लिए होगा, जितने ज़्यादा सेपरेशन इस सीरीज में होगा उतने ज़्यादा जो है ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो इन दोनों के लिए होता है, SN और बिस्मथ, इनके लिए दोनों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो इसमें जो है आप ऐसे याद किए रहिएगा, कापर से ये आयरन की ओर होता है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कापर का हमने CO ले लिया, आयरन का I ले लिया, तो कोई मिल गया के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो है कापर से आयरन, ठीक, आयरन की ओर ये फ्लो होता है। तो कॉपर पहले आया, आयरन पहले, तो कॉपर से आयरन की ओर फ्लो होता है, ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये सीरीज है, और इस सीरीज में एक चीज़ इन्होंने बताया कि जो ईएमएफ होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर जो है वो फ्लो होगा। तो एक तो सीवेक इफेक्ट हो गया, एक बार फिर से समझ लो कि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर क्या होता है कि इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड इट बेस्ड ऑन सीवेक इफेक्ट। और सीवेक इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन जंक्शन ऑफ टू वायर्स आर कंडक्टर्स प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स देन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द वायर, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीवेक इफेक्ट। और फॉर कापर एंड आयरन कि ईएमएफ फ्लो फ्रॉम कापर टू वर्ड्स आयरन, और एक सीक्वेंस इन्होंने एक सीरीज एलिमेंट्स की बनाई है, और इसमें इन्होंने ये कहा कि जो ईएमएफ होगा राइट टू लेफ्ट फ्लो होगा, जैसे यहाँ पर कापर से आयरन की ओर फ्लो होगा। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक कर्व प्लाट किया। अब कर्व में ज़रा देखिए, ये कर्व ऐसे प्लाट किया, इधर ईएमएफ ले लिया ई, इधर ले लिया टाइम टी,
इस तरह का कर्व इनको मिलता है। ये यहाँ पर ये ईएमएफ मैक्सिमम होता है और इसको इन्होंने न्यूट्रल टेम्परेचर कहा, इसको कोल्ड टेम्परेचर कहा और इसको इन्वर्जन टेम्परेचर कहा। इधर हमने ऐसे टी टेम्परेचर ले लिया। तो इन्होंने ये कहा, पहली बात, ई इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई टू। ठीक, ये रिलेशन, ये एक इक्वेशन डेवलप होता है ईएमएफ में और टेम्परेचर में। यहाँ पर जो ई है इसको हम लोग कहेंगे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, इनको हम कॉन्स्टेंट लेते हैं। और एक बार इसकी यूनिट पूछ ली गई थी, तो यूनिट आपकी अल्फा की हो जाएगी ई अपान टी, तो लिख सकते हो वोल्ट अपान डिग्री सेल्सियस। एंड बीटा इज इक्वल टू ई अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल्ट अपान सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस का होल स्क्वायर। और ई की यूनिट ईएमएफ है, तो नेचुरल सी बात है कि इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो वोल्ट हो जाएगी। ठीक, तो इन्होंने एक रिलेशन किया और उसी रिलेशन से ये कर्व प्लॉट हुआ, आपका पैराबोलिक कर्व हो रहा है इसका। ठीक, और डायमेंशन भी पूछा जा सकता है इसका। तो अल्फा के डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हो, वोल्ट की रख दो, डिग्री सेल्सियस रख दो, ऐसे वोल्ट की डिग्री सेल्सियस का रखेंगे, डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे आते हैं, अब इस कर्व के बारे में समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो ध्यान समझिए इसमें क्या खास बात है। फर्स्ट, ये कोल्ड टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर एंड इन्वर्जन, पहले इनके बारे में हम लोग समझते हैं। कोल्ड तो समझ ही गए होंगे, जो लो टेम्परेचर आपका हो गया। तो कर्व क्या इंडिकेट करता है, कर्व इंडिकेटेड दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीजेस एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट विल बी मैक्सिमम, दैट टेम्परेचर इज नोन एज न्यूट्रल टेम्परेचर। हियर टी एन is neutral temperature and TC is cold temperature and TI is inversion temperature, ये इनके नाम हो गए। ठीक, तो फिर से कर्व के बारे में समझिए क्या कह रहा है कर्व, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ, जैसे अब ऐसे हम समझाने के लिए आपको बता दें कि एक दूसरा कर्व बना के ये देखिए, इधर हमने ईएमएफ ले लिया, इधर हमने टी ले लिया, ये मान लिया हमने 10 डिग्री ले लिया, ये 20 डिग्री ले लिया, ये 30 डिग्री ले लिया। ठीक, और यहाँ पीएमएफ मान लिया 10 वोल्ट, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, माइक्रो में होता है वैसे, चलो 10 माइक्रो वोल्ट हमने ले लिया। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर 10 से बढ़ रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, 17 कर रहे हैं, वैसे वैसे ईएमएफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और 20 डिग्री पर ईएमएफ इसका क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर, मीन्स इस कर्व की हम बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो रहा है, न्यूट्रल टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक, और ये फिर नीचे वाला पोर्शन देखिए क्या कह रहा है, कि व्हेन अगेन बी इंक्रीज द टेम्परेचर देन ईएमएफ डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, जैसे हम कर रहे हैं, देखिए ईएमएफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और 30 डिग्री पे आते आते ये ईएमएफ क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर, हिंदी में कहते हैं उत्क्रम टेम्परेचर। ठीक, फिर से समझ लो कि क्या हुआ कि इनिशियली व्हेन बी इंक्रीज टेम्परेचर देन ईएमएफ इंक्रीजेस एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज न्यूट्रल टेम्परेचर अगेन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब जैसे 20 से हमने 21 कर दिया, 22 कर दिया, 23 कर दिया, ईएमएफ डिक्रीज करता जा रहा है और 30 डिग्री पे ये क्या हो रहा है, जाके जीरो हो जा रहा है। तो हम इनका कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ये 10 डिग्री आपका कोल्ड टेम्परेचर हुआ, ये आपका न्यूट्रल टेम्परेचर हुआ और ये इन्वर्जन टेम्परेचर हुआ। तो इन्वर्जन टेम्परेचर पर ईएमएफ आपका क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ईएमएफ टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ईएमएफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर।
अगेन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ईएमएफ डिक्रीजेस एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट्स वैल्यू विल बी जीरो. दैट टेम्परेचर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर. इन दिस कर्व 10 डिग्री इज अ कोल्ड टेम्परेचर, 20 डिग्री न्यूट्रल टेम्परेचर, 30 डिग्री इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन. अब इसके बाद मान लीजिए हम 30 डिग्री तक पहुँचे, 30 के बाद हम 32, 33, 34 फिर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये ईएमएफ रिवर्स डायरेक्शन फ्लो होना शुरू करेगा. मतलब जैसे पहले कॉपर से आयरन की ओर था, तब आयरन से कॉपर की ओर फ्लो हो जाएगा. तो कहने का सेंस हो गया कि जब हम इन्वर्जन के बाद भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ईएमएफ उल्टा बहने लगता है. ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, एक रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, और ये रिलेशन ये है कि टी न्यूट्रल इज इक्वल टू टी कोल्ड प्लस टी इन्वर्जन बाई टू. ये होता है, इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि टी न्यूट्रल इज इक्वल टू टी कोल्ड प्लस टी इन्वर्जन बाई टू. अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए अब न्यूमेरिकल लिए, ये जो हम बताने जा रहे हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आपको काम करेगा, इसलिए इसको समझिए ध्यान से. यहाँ पर E इज इक्वल टू है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई टू. ठीक, पहली चीज ये हो गया कि जो न्यूट्रल टेम्परेचर है वो कोल्ड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर एक. दूसरी चीज जरा देखिए ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. अच्छा, डिफरेंशिएट करोगे तो डी ई बाई डी टी अल्फा प्लस टू बीटा टी बाई टू से टू क्या हुआ कैंसिल, फॉर डी बाई डी टी या फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर डी बाई डी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए. यही हमने बताया कि डी बाई डी टी जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, जीरो. तो डी बाई डी टी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, जीरो. तो जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अब इसको टी एन हमने लिख दिया, न्यूट्रल टेम्परेचर. तो यहाँ से न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा अपान बीटा आ गया. इस कर्व से हमारा जो न्यूट्रल टेम्परेचर आया टी एन इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपान बीटा आ गया. तो ध्यान दिए रहिएगा, आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें अल्फा बीटा आपको डाटा दे देंगे और कहेंगे कि आप न्यूट्रल टेम्परेचर निकालिए, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. अब इसके बाद आते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर. अब इन्वर्जन कैसे निकालोगे, इन्वर्जन के लिए क्या होना चाहिए, ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही, जीरो हो रही है. तो फॉर इन्वर्जन ई इज इक्वल टू जीरो कर दो, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई टू. तो यहां से एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी बाई टू. तो अब इसको टी इन्वर्जन कर देंगे, तो टी इन्वर्जन की वैल्यू माइनस में टू अल्फा अपान बीटा, और अल्फा अपान बीटा टी एन के इक्वल है, तो इसको ये भी लिख सकते हो टू टी एन. तो टी इन्वर्जन जो हो गया वो टू टी न्यूट्रल हो गया. ठीक, अच्छा अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं, इसी पर ये पूछ लिया जाए कि एट न्यूट्रल टेम्परेचर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईएमएफ या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ. तो इसके लिए हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं उसमें मैक्सिमम मिनिमा में कि क्या करो कि ये जो आपकी वैल्यू आई हुई है, ठीक, यहीं पर ई मैक्सिमम तुम्हें फाइंड करना हो तो क्या करोगे, अल्फा जहां टी एन है ये रख दो वैल्यू, तो माइनस अल्फा पान बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा पान बीटा का होल स्क्वायर बाई टू. तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस ये साहब प्लस हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर बीटा से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अपान टू बीटा ये आ जाएगा. अल्फा स्क्वायर बाहर निकाल लो, बीटा बाहर निकाल लो, माइनस वन प्लस वन बाई टू. तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में अल्फा स्क्वायर अपान टू बीटा. ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम ईएमएफ, एक बार पूरी बातें फिर समझ लो कि तुम्हें जो है न्यूट्रल टेम्परेचर फाइंड करना है, देन यू डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम
एंड द वैल्यू फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी डी बाई डी टी शुड बी जीरो, यू गेट द वैल्यू ऑफ टी एम. अगेन फॉर मैक्सिमम ई एम एफ यू पुट द वैल्यू ऑफ टी एन इन गिवन इक्वेशन, यू गेट वैल्यू ऑफ यू मैक्सिमा. ओके, नाउ फॉर द इन्वर्जन टेम्परेचर, फॉर इन्वर्जन टेम्परेचर द ई एम एफ इज इक्वल टू जीरो, हैंस ई इज इक्वल टू जीरो, यू गेट द वैल्यू ऑफ टी आई. ओके, तो टी आई मिल गया आपको, मैक्सिमम ई एम एफ मिल गया आपको, जो है न्यूट्रल टेम्परेचर मिल गया. अब हम निकालने जा रहे हैं थर्मो पावर या थर्मो इलेक्ट्रिक पावर भी कह सकते हैं. ये जरा देखिए, तो इसमें क्या हुआ, E इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई टू ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू बीटा बाई टू इंटू टी. ठीक, तो ये वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा टी, और ये डी बाई डी टी यही पावर कहलाता है. ठीक, तो यहाँ जरा देखिए ध्यान से, इट इज कॉल्ड थर्मो पावर. अब यहाँ पर जब टी की वैल्यू हम रख दें, देखिए ये वैल्यू रख के क्या मिलता हमको, कि इफ़ टी इज इक्वल टू टी न्यूट्रल इज इक्वल टू माइनस अल्फा पान बीटा, तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा पान बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो. तो हम एक बात यहाँ से मिल गई कि एट न्यूट्रल टेम्परेचर थर्मो पावर शुड बी जीरो. ओके, और दूसरा चीज क्या है, कर्व आ जाता है. अब कर्व इसका जैसे फाइंड करेंगे तो कैसे आ जाएगी, जरा देखिए ध्यान से. आपके पास आया कि पी इज इक्वल टू ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा टी कंपेयर करिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. तो ये देखिए, वाई एक्सिस पे पी ले लो, एक्स एक्सिस पे ये टेम्परेचर ले लो, कर्व आपका ऐसे जाएगा, ये कर्व ज़्यादा. ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आपकी क्या हो गई, अल्फा, ये कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व है. ठीक, तो ये कर्व भी पूछा गया है और ये थर्मोपावर भी पूछा जाता है. एक आपका मतलब ये हो गया. ओके, चलिए हम लोग जो है थर्मोमीटर सारे पढ़ लिए थे, अब इनको आप क्या करिएगा, कंपेयर करके पढ़िएगा. और सारे थर्मोमीटर्स में क्या था कि हमें चार बातें पढ़नी थी. फर्स्ट ये था कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और सेकेंड इसका रेंज क्या है, और थर्ड इसके जो है दो फार्मूले, मॉडर्न और ओल्ड कहे. ठीक, बस ये चार चीज़ें पढ़नी थी, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर करके आप पढ़िएगा. अब जैसे नेम ऑफ थर्मोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, लिक्विड थर्मोमीट्री है, और इसका प्रिंसिपल है ऑन हीटिंग लेबल लिक्विड कॉलम इंक्रीजेस एल टी इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. फार्मूला इसका टी इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल हंड्रेड माइनस एल नॉट इन टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सिंबल्स हमने बताए थे, एल नॉट जो है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एट 0 डिग्री, एल टी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एट टी, एंड एल हंड्रेड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर 100 होगा. ठीक, रेंज इसकी हमने बताया था कि माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री मरकरी लेते हैं, माइनस 50 टू 550 हो जाएगा नाइट्रोजन, एंड माइनस 80 टू 350 होता है जब हम एल्कोहल लेते हैं. इसके बाद जो है गैस थर्मोमीट्री में आते हैं, प्रेशर लॉ और चार्ल्स लॉ बेस्ड है, पी प्रोपोर्शनल टू टी, बी प्रोपोर्शनल टू टी, और यहाँ पर फार्मूला इसका टी इज इक्वल टू वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी हंड्रेड माइनस वी नॉट इन टू 100, एंड टी इज इक्वल टू 273.16 वी टी अपॉन वी टी आर, एंड वी नॉट वॉल्यूम एट 0 डिग्री, वी टी वॉल्यूम एट टी डिग्री, वी 100 वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और वी टी आर द वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. और ओल्ड में हम इसका जो है जब ऐसे ही जो है, ये तो वॉल्यूम थर्मोमीटर हो गया, और ये इस पर आ जाते हैं टी इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट अपॉन पी हंड्रेड माइनस पी नॉट इन 200, एंड टी इज इक्वल टू 273.16 पी टी अपॉन पी टी आर. बाकी सिंबल्स आपके वही हैं.
रेंज आपका हो जाएगा -200°C to 500°C जब हम हाइड्रोजन लेते हैं, -200°C to 1600°C नाइट्रोजन थर्मोमीटर कहलाएगा, एंड -268°C to 500° जब हम हीलियम लेते हैं। तो ये आपके हो गए। इसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हमने क्या बताया था कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, ये इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और फार्मूला इसका हो गया T = RT - R0 / R100 - R0 × 100°C। मॉडर्न में हो जाएगा T = 273.16 RT / RTR इन केल्विन हो जाएगा। आर नॉट रेजिस्टेंस है 0°C, आरटी रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर, एंड आर 100 रेजिस्टेंस एट 100°C, आरटीआर रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इट्स रेंज इज -200°C to 1200°C। ओके, नेक्स्ट जर्मेनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कोई पूछा नहीं गया है, लेकिन ये जर्मेनियम में क्या हो जाएगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर डिग्री दिस थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल एंड RT = R0 - 1 - α Δt। और इसका कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं है, और ये जो 4 Kelvin to 77 Kelvin का इसका मेजरमेंट है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर बेस्ड ऑन द स्टीफन्स लॉ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, E = T/4। इसका कोई मॉडर्न ओल्ड में कोई फॉर्मूला नहीं है, और इसका मेजरमेंट जो होता है 800°C से मोर जितने भी मेजरमेंट करने होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मेजर नहीं करता है, तो इसलिए जो है ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 2000°C मेजर करना है पायरोमेट्री, 1000 करना है पायरोमेट्री। तो इसके बाद वेपर प्रेशर आपका आ गया, और ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, log P = A + BT + C/T। लॉग पी वही फार्मूला इसका हो गया, और इसका जो मेजरमेंट होता है 120 Kelvin to 0.71 Kelvin, ये कम टेम्परेचर मेजर करने 0.71 Kelvin तक मेजर कर लेता है। और इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक थर्मोमीटर। मैग्नेटिक थर्मोमीटर जो है ये क्यूरी लॉ पर बेस्ड है, काई जो है 1/T पे डिपेंड करता है, इसका कोई विशेष फार्मूला यहाँ पर नहीं है, और इसका मेजरमेंट होता है below 1 Kelvin, इसके नीचे। एंड लास्ट है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, इट बेस्ड ऑन सीवेक इफेक्ट, और E = AT + BT² यहाँ पर by 2 होता है, कुछ बुक्स में इसे लिख सकते हो, और इसका मेजरमेंट होता है -200°C to 1600°C। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये हम लोग जो थर्मोकपल थर्मोमीटर है उसके सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहले आप इसको पढ़ा करिए कि दिया है जो डाटा उसको निकाल लिया करिए। फॉर थर्मोकपल द न्यूट्रल टेम्परेचर इज, तो टी न्यूट्रल आपको गिवेन है यहाँ पर, TN = 270°C ये दिया है, एंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स कोल्ड जंक्शन TC ये आपको 20°C गिवेन है। If there is no deflection in the galvanometer, the temperature of the hot junction should be. Formula आपका होता है TN = T inversion + T cold by 2, ये formula आपका होता है। अब यहाँ पर T neutral आपको 270 ये दिया गया है, ये आपको find करना है, ये आपको 20/2 multiply करोगे 0, 4, 5 = TI + 20, तो टी इन्वर्जन आपका हो जाएगा 520°C। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है E = α T - β T² / 2। इफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन इज 0, तो टी कोल्ड आपको दिया है 0°C दिया है, देन द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, अब टी आई आपको फाइंड करना है। बाकी ये वैल्यूज आपको अल्फा बीटा यहाँ पर गिवेन है, अल्फा दिया है बीटा दिया है। अब जरा देखिए ध्यान से, इन्वर्जन आपको फाइंड करना है, कोल्ड आपको दिया है, ये न्यूट्रल टेम्परेचर आपको मालूम हो जाए तो आप फाइंड कर लेंगे। तो न्यूट्रल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए,
इज इक्वल टू आपको ये दिया है अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा टी, तो हम ये करते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू पहले, चलिए अल्फा टी लिखा है और माइनस में बीटा टी स्क्वायर बाई टू। इस रिलेशन से हम लोग फाइंड करेंगे न्यूट्रल टेम्परेचर। ओके, तो न्यूट्रल टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या करिए, या सीधे सीधे आप यहाँ निकाल सकते हैं टी आई, तो न्यूट्रल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए ई की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी बाई टू, यही टी इन्वर्जन हो जाएगा, तो टी इन्वर्जन इज इक्वल टू टू अल्फा अपान बीटा हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू आपको गिवेन है 500, तो 500 रख दो, माइक्रो देखिए यहाँ भी ये माइक्रो नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 है, तो माइक्रो वोल्ट ये माइक्रो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग करते हैं। फॉर अ थर्मोकपल द न्यूट्रल टेम्परेचर इज 270 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी एन की वैल्यू 270 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन इट्स कोल्ड जंक्शन इज एट टी सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द न्यूट्रल टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन इज इंक्रीज 40 डिग्री। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक। तो पहली बात यह है कि न्यूट्रल टेम्परेचर जो है वो कोल्ड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो 270 पहले था, तो 270 अब भी रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, दो बातें देखिए, फॉर अ थर्मोकपल दिया गया है कि व्हेन इट्स कोल्ड जंक्शन इज 220 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द न्यूट्रल टेम्परेचर एंड थर्म टेम्परेचर ऑफ द इन्वर्जन। तो न्यूट्रल टेम्परेचर अब कह रहे हैं कि 40 डिग्री हम कोल्ड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो होगा ये कि न्यूट्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल पहले भी 270 था, अब भी 270 रहेगा। अब इन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे टी एन इज इक्वल टू टी सी प्लस टी इन्वर्जन बाई टू, तो ये तो 270 हो ही गया, कोल्ड आपका ये 40 हो गया, ये लिखेंगे यहाँ पर, इन्वर्जन हमें फाइंड करना है बाई टू हो गया, तो 0, 4, 5, 40 प्लस टी इन्वर्जन, तो यहाँ से टी इन्वर्जन की वैल्यू आ जाएगी 520 डिग्री सेंटीग्रेड, ओ सॉरी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ था कि जो न्यूट्रल टेम्परेचर है डज नॉट डिपेंड ऑन कोल्ड टेम्परेचर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द थर्मो ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल इज 25 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, लिख लेते हैं ऐसे ही। एट रूम टेम्परेचर अ गैलोमीटर ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस आर दिया है, ये गिवेन है, कैपेबल ऑफ द डिटेक्टिंग करंट एज लो एज 10^-5, करंट आपको दिया है 10^-5 एम्पियर, इज कनेक्टेड विद द थर्मोकपल द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई दिस सिस्टम इज, तो हमें यहाँ थीटा फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कोई फार्मूला तो आपका आई इज इक्वल टू बी अपान आर है, ये पोटेंशियल हुआ, ये आई हुआ, ये आर हुआ। अब जरा देखिए यहाँ पर ये दिए हैं कि माइक्रो 25 माइक्रो वोल्ट पर सेल्सियस, तो पर डिग्री, एक डिग्री के लिए 25 है, तो हम मान लेते हैं थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल ऐसे हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू 25 माइक्रो वोल्ट, और यहाँ पर थीटा और लिख दो, तो थीटा डिग्री यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा कि अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि वन जो है माइक्रो वोल्ट के लिए दिया गया 25, तो थीटा माइक्रो वोल्ट के लिए कितना हो जाएगा, तो 25 माइक्रो वोल्ट इंटू थीटा कर दिया सीधे सीधे। अब आई इज इक्वल टू लगा दो बी अपान आर, ठीक, तो बी की जगह रखो 25 माइक्रो, लिखो 10^-6 इंटू थीटा, आर की वैल्यू रख दो, ये जो गिवन वैल्यू है आई की वैल्यू 10^-5, तो 10^-5 इज इक्वल टू 25 10^-6 इंटू थीटा अपान 40,
अब यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब देखिए यहां से थीटा जो हो जाएगा आपका 10^-5 इंटू अपॉन 25 10^-6 ये ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 400 आ जाएगा 400/25 तो ये आंसर आ जाएगा 8°C। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर थर्मो ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल इज गिवन बाय द रिलेशन इज इक्वल टू 40θ - θ² / 20 वेयर थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू जंक्शन फॉर दिस द न्यूट्रल टेम्परेचर विल बी। अब हमें इसे न्यूट्रल टेम्परेचर फाइंड करना है तो न्यूट्रल टेम्परेचर के लिए हम बता चुके हैं इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू क्या कर दो जीरो कर दो। तो डिफरेंशिएट करो कि d/dθ इज इक्वल टू और यहाँ आ जाएगा 2θ / 20 और फिर वही कि फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा और मिनिमा तो d/dθ की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो क्योंकि जो है न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है इसलिए जीरो करेंगे। तो 0 = 40 - 2θ या सिंपली θ/10 हो गया ये ठीक। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400°C। डी ऑप्शन इज करेक्ट है।